Dinu. आई आई कैसी भेबा? बस समझ लो कि तुमसे मिलने के लिए यम को रोक कर बैठी है। कई दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पाई, दो दिन से आंखों की रोशनी भी बुझ गई है। आई 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 क्या हो गया आई? दिनु तो आ गया बेटा। आई देख देख मैं आ गया। आई आई मुझे देर हो गई ना, तू कब से राह देख रही थी, पर एक मैं हूँ कि तू काम से गया था पूना ताकि हमारा पेट भर सके। तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई दिनू, इसलिए दुख ना कर। और फिर यहाँ ये सब थे ना मेरा ध्यान रखने के लिए। आई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा पूना और वही इलाज कराऊंगा तुम्हारा। इलाज नहीं बेटा, अब तो मेरा मुक्ति का समय आ गया है। हर इच्छा पूरी हो गई मेरी, जो मांगा वो पाया। हे राम, मेरे बेटे को मेरे पास तो ले आए, एक बार उसे देख लेने की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती। भिक्षाम देही साई। साई 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 साई, अच्छा हुआ आप आ गए। साई मेरी आई को देखिए ना, वो बहुत बीमार है। माई। साई अच्छा हुआ आप आ गए। देह त्यागने से पहले आपका आशीर्वाद पा लूंगी। अंतिम बार आपको धन्यवाद कह सकती हूँ। आपने हमेशा हम पर आपकी कृपा बनाए रखी साई। कृपा मेरी नहीं है माई, कृपा तो आपके सत्कर्मों की रही है। आपने हमेशा लोगों को खुशियां बांटी, बदले में आपको खुशी मिली। मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है साईं। मैं पूरी तरह से संतुष्ट होकर जा रही हूं, लेकिन ये मन भी कितना नादान है ना साईं। जब तक है तब तक तृष्णा है, अब तक बस ये शरीर इसलिए नहीं त्यागा कि बेटे को मिलने की इच्छा थी, पर अब उसे देखने की भी इच्छा हो रही है। अगर उसे देखे बिना ही मैं चली गई तो ये इच्छा अधूरी रह जाएगी मेरी। माई, माँ की बात तो ईश्वर भी सुनता है, तो अपनी आंखें बंद कीजिए। और ईश्वर का ध्यान कीजिए।
जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई. अब धीरे धीरे आंखें खोलिए माई. साई, मेरे बेटे और मेरे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखना. मैं अब अंतिम यात्रा के लिए तैयार हूँ साई. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. आई, 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 आई. दिनू, ये अब ईश्वर के पास है. अभी तो मुझे आई की और सेवा करनी है. ये ऐसे कैसे देर से आ सकती है? नहीं, ये तो ईश्वर का नियम है. पर मेरी आई के तो सब कुछ आप ही थे साई, फिर क्यों आपने उसे लंबी आयु नहीं दी? आप चाहते तो उसका इलाज कर सकते थे. आपने कितने लोगों के प्राण बचाए, फिर मेरी आई के क्यों नहीं बचाए साई? मेरी आई के क्यों नहीं, मेरी आई के क्यों नहीं बचाए? दिनो, जीवन और मृत्यु का समय तो पहले से निश्चित होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं. जब जब भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया, उन्हें भी इस काल चक्र से गुजरना पड़ा. मैं, तुम, हम सबको भी इससे गुजरना होगा. लेकिन तुम उदास मत हो. तुम्हारी आई ने एक सुखी शांत जीवन जिया है, सदा ईश्वर की आराधना की, ईश्वर की भक्ति में लीन रही. इनके अंतिम समय में इनका अंतिम शब्द राम था. ऐसा इंसान तो सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है. मोक्ष का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता.
इसलिए इनकी मृत्यु का शोक नहीं, इनके सफल जीवन का उत्सव मनाना चाहिए। इनके कर्मों से प्रेरणा लेकर इनकी तरह लोगों की मदद करो, लोगों में खुशियां बांटो, ताकि जब तुम्हारा समय आए तुम भी ईश्वर को प्राप्त हो। तो क्या सच में मेरी आई को मोक्ष मिल गया? अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्यत्र संशयः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करेगा वो मेरी शरण में आएगा। इसलिए हमेशा अपने मन में ईश्वर को रखना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर गुस्सा किया। नहीं दीनू, वो तुम्हारा गुस्सा नहीं था, अपनी आई के लिए प्यार था। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी आई जहां भी है सुखी है, शांत है। अल्लाह मालिक। नंदू, कैसे आपकी आवाज हमेशा इसके कानों पर पड़ जाती है? आप तो जोर से पुकारते भी नहीं है, पर ये जहां कहीं भी हो भागकर पहुंच ही जाता है। तात्या, पुकार में अगर वो प्यार हो तो पशु हो या मीलों दूर रहने वाला इंसान सुन ही लेता है। क्या चाहिए? बंदा रुपया। यह है शिरडी जाने का रास्ता, यहां से होते हुए तुम्हें मेरे पास आना है। मैंने यह तय किया है कि मैं और राधा शिरडी जाएंगे। मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं, मेरा बंदा रुपया आ रहा है। अब हमारी बेला खाना खाएगी, आ करो। मुझे अभी नहीं खाना, मुझे बाहर घूमने जाना है। और उसकी अनुमति तो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। अभी आई और बाबा जैसे बात करने लगी है। बेला,
आई बाबा जो कर रहे हो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बेला, कहानी सुनोगी? सारा दिन कहानी सुना सकती हूँ मैं तुम्हें। मुझे बाहर जाना है, दोस्त बनाना है, उनके साथ समय बिताना है, आपके साथ नहीं। भिक्षाम देही। प्रणाम साई। राम जी भला करे। आप परेशान लग रही हैं। बेला बच्चों के साथ खेलना चाहती है लेकिन मैं उसे बाहर नहीं जाने दे सकती हूँ। क्या करूं? बच्ची का दुख भी देखा नहीं जाता। उसे कहा कहानी सुनाती हूँ तो मना कर दिया। शांति से सोचिए, हर मुश्किल का हल यही है। आजी जब भी आती है वो भी मुझे बहुत सी कहानियां सुनाती है। बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ? तुम्हारी अज्जी ने बुलाया है कहानी सुनाने के लिए। आओ तुम भी बैठो ना। तुमने कहा था ना तुम्हें दोस्त चाहिए, आ गए। अब तुम सबको मैं खाना खिलाते खिलाते कहानी सुनाती हूँ। मुझे बहुत सारी कहानियां आती है। कहानी सुन के बहुत मजा आया। सच्ची अजी आप बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। अजी हम कल भी आएंगे कहानियाँ सुनने। और कहानियाँ है ना? हाँ हाँ, हर एक दिन के लिए एक नई कहानी। तुम सब जरूर आना। अच्छा अजी, हम लोग चलते हैं। ठीक है। अच्छा लगा? अज्जी, एक दिल पिघला है, दूसरा भी पिघलने को है।
तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम। आज का दिन बड़ा शुभ है, इसे और खास बनाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए भाईसामा। जो खुद दुनिया की जरूरतों का ख्याल रखता है उस साईं को मेरी जरूरत क्यों? क्या खास बात है बताओ? आज गेहूं के आटे का शीरा बनाएंगी आप? बहुत मन कर रहा है खाने का। बस साई, आपने तो कहा था ये गेहूं किसी खास इंसान के लिए है, मतलब आपके वो मेहमान आज आ रहे हैं? मेहमान तो वो होते हैं जो जाने के लिए आते हैं। आज जो आ रहा है ये वैसा नहीं है। ऐसा कौन आ रहा है? बाईजामा, आप लोगों के कारण मैं पहले से ही धनी था, लेकिन आज मैं बहुत अमीर होने वाला हूं। आज मेरा बंदा रुपया जो आ रहा है, मेरे साई। राम जी, ये क्या, ये घोर था, कहीं फैल तो नहीं रहा? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए छुपाना मुश्किल हो जाएगा। आज कई दिनों के बाद काम से छुट्टी मिली तो सोचा आपके साथ कुछ समय बिता लूं। मिला? मुझे काढ़ा नहीं पीना है। ठीक है।
अंदर। हमें हर घर में जाना है, दरवाजा खटखटाना है और सरस्वती काकी के बारे में पूछना है, लेकिन सावधानी से, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम ऐसा करो, तुम इधर देखो और मैं इधर देखता हूं, ठीक है? चलो। ये क्या है जी? ये सागर गोटी। सागर गोटी? मुझे भी खेलना है, लेकिन कैसे खेलते हैं? मैं सिखा दूंगी, लेकिन पहले काढ़ा पीना पड़ेगा। ठीक है। ये लो। चलो चलो जल्दी पियो। शाबाश। रंग अब सिखाइए। सिखाऊंगी। ये देखो, इसको ऐसे ऐसे करना है। ये आपको कहां से मिले? यादें ही तो मेरे जीवन भर की पूंजी है। चल खेलते, मैं तुम्हें सिखाती हूं। ये है ना, ये ऐसे फेंकना है। शाम दे ही। जाओ बाबा, आगे बढ़ो। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो मुझे चाहिए वो बस तुम ही दे सकते हो। अच्छा, क्या दे सकता हूँ? जिस काम के लिए शिरडी में रुके हो वो काम मत करो, और जो दाग तुम्हारी सोच पे लगा है उसका क्या? तुम्हारा दाग समाज के लिए कई ज्यादा घातक है, कई ज्यादा नुकसानदायक है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में दया नहीं है, करुणा नहीं, केवल बदले की भावना है। जो अपनी मातुल्य स्त्री को घर से बेघर कराने की जिद पे अड़ चुकी है, जिस समाज में वृद्धों के प्रति सम्मान, उनके प्रति संवेदना समाप्त होने लगे, समझ लो वो समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है।
ए, चल चल, ये उपदेश किसी और को देना। ए, हमारे साईं के बारे में ऐसे बात करेगा तो क्या कर लेगा बताऊं तुझे केशव। लेकिन साईं ये तो केशव, हिंसा हमारा मार्ग नहीं है। क्षमा कीजिएगा साईं। राम जी पे जो आश्रित हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाओगे तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। राम जी भला करें। फकीर, अब तो सरस्वती काकी को उसके राम जी भी नहीं बचा सकते हैं। अज्जी, हे राम जी, चूल्हे पे दूध रख के भूल गई। बेला तुम खेलो, मैं अभी आई। बेला, बेटा दरवाजा खोलो। घर में कोई बड़ा है? सखाराम, मेरी अज्जी हैं, क्या काम है आपको? हमारे अज्जी का नाम क्या है? अज्जी का नाम अज्जी का नाम अज्जी है। अच्छा, और तुम्हारे आई बाबा? वो बाजार गए मसाले बेचने। अच्छा, मैं शायद गलत घर में आ गया। क्या हुआ? नारायणी को खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती। आप भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं अज्जी। जितना मुझे आपने समझा उतना किसी ने नहीं समझा, किसी ने इतना खेलने नहीं दिया मुझे। मुझे भी आपसे दूर नहीं जाना। राम जी, आपने मुझे फिर से आशा की नई किरण दे दी है। अजी, आपके हाथ पर वो दाग कैसा है? सागर गोटी खेलते हुए देखा था। कैसे हुआ ये? बोलिए ना जी, कैसे हुआ ये? इस बच्ची से झूठ कैसे बोलूं? ये
ये एक बीमारी है। बीमारी? तो आप इसकी दवा क्यों नहीं करवा लेती हैं? क्योंकि इसकी दवा मेरे पास नहीं है। तो आप ठीक नहीं होंगी? क्यों नहीं ठीक होंगी? हर मर्ज की दवा है मेरे राम जी के पास। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेके आए थे, मेरे राम जी भी मेरे लिए संजीवनी लेके आएंगे। फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। संजीवनी बूटी? हाँ। ये कहाँ मिलती है? मैं बाबा को बोलूंगी, वो ले आएंगे। नहीं, बाबा से कुछ मत कहना। हाँ, बाबा से कुछ मत कहना। एक बार इस दाग की वजह से मैंने अपना परिवार खोया है। मैं दोबारा इस परिवार को खोना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहती। ठीक है, नहीं बताऊंगी। सारे घर देख लिए, सरस्वती काकी कहीं नहीं मिली। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मंदार। चलो बाजार चलते हैं। बाजार किस लिए? चलो तो बताता हूँ, आओ चलो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शीरा तैयार है, जरा चख के देखो और बताओ कैसे बना है। चखने की क्या जरूरत है बाईसामा, मुझे पता है अच्छा ही होगा। इसमें माँ की ममता जो मिली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंचकर, और मुझे इस बात की खुशी है कि साईं बाबा के बुलाए पर आपने विश्वास किया। विश्वास पर नहीं आया हूँ, ऐसे लोग और ऐसी बातों पर विश्वास करना मेरी ज्ञान, मेरी सोच, मेरे विवेक का अपमान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये साईं है कौन और क्यों मुझसे मिलना चाहता है। चलो। साईं, राम जी भला करे। अरे वाह, आप तोरण लगा रहे, तो मतलब आज कोई खास बात है? बहुत खास, कोई बहुत खास आ रहा है।
साई, हम ये तोरण क्यों लगाते हैं? ताकि फूल पत्तियों की सजावट देखकर आने वाले लोगों के मन में खुशी उत्पन्न हो और वो सकारात्मक विचारों के साथ खुले मन और हृदय से प्रवेश करें, और जो आ रहा है उसे तो इन सब की बहुत जरूरत है। आओ, किसी से पूछ तो लीजिए कि साईं बाबा कहाँ मिलेंगे। क्यों, यहाँ के लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं, कोई मंदिर बनवाया हो उन्होंने कहीं, देखते हैं। क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? परेशान भी लग रही हो, शायद चिंता करने की वजह से हो रहा है। बिक्री नहीं हुई आज भी? यहाँ मसालों की ज्यादा मांग ही नहीं है, बिक्री हो नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। राम जी मेहनत करने वालों के साथ होते हैं, सब अच्छा होगा। क्या आपके यहाँ गेहूं के आटे का शीरा बना है? हाँ, आओ चख लो। नहीं, हमें कहीं जाना है। कहीं पहुंचना तो नियति है तुम्हारी, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होगी। मुंह मीठा कर लो, तुम्हारे लिए खास बनवाया है नाना। Thank you.
आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने ही बुलाया और मैं ही ना जाऊं? कौन है आप? साईं। साईं, तो आपने ही बुलावा भेजा था? आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? और आज ही? अब भी प्रश्न है तुम्हारे मन में, लेकिन कुछ उत्तर तर्क और विवेक से परे मिलते हैं, अनुभूतियों में, आभास में। ऐसे अनुभूतियों और आभासों को तर्कहीन समझना भी तो विवेक और ज्ञान का अपमान है नाना। आप मुझे कैसे जानते हैं? क्या चाहिए आपको मुझसे? क्यों बुला रहे थे आप मुझे यहां? वचन पूरा करने जो मैंने तुम्हें दिया था। वचन? हाँ, हर जन्म में तुमसे मिलने का वचन। पर मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैंने कोई वचन लिया हो। यही तो याद दिलाना है तुम्हें। चार जन्मों का रिश्ता है हमारा। मुझे पहेलियों में बात करना पसंद नहीं है। पहेली सुलझाने का समय आ गया है, विश्वास करो। विश्वास? मैं विश्वास करूं? मैं आपसे अभी मिला हूं और आप मिलते ही मुझे पिछले जन्मों का हवाला दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? गेहूं खत्म हो गया था, इसलिए गेहूं का शीरा नहीं बन पाया तुम्हारे घर में। आज बहुत सारा शीरा बनाया है तुम्हारे लिए, मन भर के खाओ। आओ तुम दोनों। आपको कैसे पता कि हमारे घर में गेहूं के आटे का शीरा? वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। सिर्फ शरीर बदला है नाना, ये सत्य तुम जानते हो, फिर भी भूल गए। इनमें जरूर कोई शक्ति है, तभी तो इन्हें हर बात का पूर्वाभास हो गया। पर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे मेरे सपनों में आने वाले फकीर के दर्शन होंगे, लेकिन ये तो वो नहीं है। ठीक हो जाएगा, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? तकलीफ किस बात की?
माँ कहती हूँ ना मुझे, बच्चे बड़ों की सेवा करे तो अच्छा लगता है। अपनों में छोटा बड़ा नहीं होता। अपने आई बाबा की सेवा करके पुनली को भगवान मिल सकते हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल रखकर आई बाबा को भी तो स्वर्ग मिलता है ना। पुंडलिक कौन है? बहुत समय पहले पुंडलिक नाम का एक लड़का था। वो बहुत बुरा था। वो अपने माता पिता की बहुत अवहेलना करता था, अपने माता पिता से बहुत बुरा बर्ताव करता था। एक दिन वो कुकुट स्वामी नाम के साधु से मिला, जिन्होंने उसे उसकी गलती का एहसास करवाया। उसके बाद वो इस कदर अपने माता पिता की सेवा करने लगा कि जब खुद कृष्ण भगवान उससे मिलने आए तो वो सीधे उनसे मिलने नहीं गया, बल्कि पुंडलिक ने कृष्ण भगवान की ओर एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु मेरे आई बाबा की सेवा होने के बाद ही मैं आपके दर्शन करूंगा, तब तक कृपा करके आप इस ईंट पर खड़े रहिएगा। अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव और प्रेम देखकर भगवान कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उस ईंट पर खड़े हो गए। उस स्थान का नाम है पंढरपुर। आज भी उस ईंट के स्थान पर विठोबा के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा होती है। मान्यता है कि आज भी वो उस जगह विठोबा के नाम से विराजमान है। बहुत बड़े व्यापारी है जो हमारे मसाले खरीदना चाहते हैं थोक में, पर मेरे पास उतनी मात्रा में मसाले थे नहीं। फिर? तो वो कल आएंगे मसाले खरीदने। क्या हुआ? सर की मालिश करा रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? सर में थोड़ा दर्द है। थोड़ा आराम कर लो, ठीक लगेगा। हाँ तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं काढ़ा लेके आती हूँ। ठीक है। अज्जी हमारा कितना ध्यान रखती है, मैं भी अज्जी का ख्याल रखूंगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मेरी आई के हाथ के स्वाद जैसा। मेरी बाईजा माँ ने जो बनाया है। अगर मेरे सपनों में आने वाले फकीर ये नहीं है तो क्या मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं है? माई बड़ी प्यास लगी है, क्या आप मुझे उस मटके से थोड़ा सा पानी ला कर देंगी? अभी देती हूँ साईं। रुको परी, माई को लाने दो।
ये मुझसे पानी क्यों मंगवा रहे हैं? तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। इतने दिनों से मैं भिक्षा मांग रहा हूं माई। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे सपने निरर्थक नहीं थे। लेकिन साईं, आप हमेशा भिक्षा लिए बिना ही क्यों चले जाते थे? क्योंकि मुझे भिक्षा में अनाज नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो आज तुम ले आई हो। ये क्या हो रहा है? इसका क्या तर्क है? ये सब कैसे संभव है? रुक जाते हैं ना, मेरा मन कहता है यहां रुकने में ही हमारी भलाई है। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरी श्रद्धा के लिए तो रुक जाइए। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा। मैं ना एक पल तो बीज की तरह होता है, मानो तो कुछ नहीं, लेकिन सोचो तो एक पूरे वृक्ष को जीवन देने की क्षमता होती है उस बीज में। वृक्ष जो फल देता है, छांव देता है, नाना मैं तो केवल एक दिन के लिए कह रहा हूं। एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे? हो सकता है शिरडी में रहते हुए तुम्हारे हाथों किसी मां का उद्धार हो जाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। गोविंदा, मैंने तुमसे कुछ लाने के लिए कहा था। ये लीजिए साईं। कपड़ों की चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैंने कर ली है। तुम दोनों के लिए कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं मैंने। ले लो। तुम्हारे रहने की व्यवस्था साठेवाड़ा में कर दी है। उद्धव, इन्हें वहां ले जाओ। जी साईं। आइए। ओम
कैसा है सरदर्द? ठीक है, लेकिन थकान अभी भी है। मैं कपूर के तेल से तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूंगी, सब थकान निकल जाएगी। नहीं माँ जी, आप खुद सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी। माँ की ममता भी कभी थक हार के बैठती है। मैं तुम सो जाओ, मैं तेल लेकर आती हूँ। अज्जी, आई को तेल मैं लगा दूंगी, आप आराम करिए। ठीक है। आपके आने से पहले हम सब एक छत के नीचे होकर भी परिवार की तरह नहीं रह पाए थे, लेकिन आप आई तो मां की ममता भी मिली और बेटी का प्यार भी लौटने लगा है। अब लगता है कि हाँ, परिवार है। ये सच है, अज्जी के आने से हम सब खुश हैं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे अज्जी हमेशा हमारे साथ रह सके। चलती हूँ साईं, बाजी के सोने का समय हो गया है। बिना मुझसे कहानी सुने सोता ही नहीं है वो। बाईजा माँ, बच्चों के विकास के लिए कहानियां जरूरी हैं। अच्छी कहानियां बच्चों को बेहतर इंसान बनाती हैं, लेकिन बड़ों का दायित्व है कि कहानी में छुपी जो सीख है उसे स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने रखें, उन्हें समझाएं, ताकि बच्चे कहानी का भाव, उनका अर्थ समझने में कोई भूल ना कर बैठे। जी, बेला घर में नहीं है। क्या?
इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो बेटी? संजीवनी लाने, जंगल से। संजीवनी? किस लिए? बाबा से कुछ मत कहना, हाँ? बाबा से कुछ मत कहना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। वो नहीं बता सकती। इरादे नेक हूं तो संजीवनी घर पर ही मिल जाती है, उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आजी को ठीक करना चाहती हो ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए बेटी, इस तरह रात को अकेले बाहर निकलना, वो भी बिना किसी को बताए, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे आई बाबा जाग गए तो वो कितने परेशान होंगे, और तुम्हारी आजी वो भी तो परेशान होंगी। तुम्हें संजीवनी चाहिए ना? मैं ला कर दूंगा बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। चलो। बेला! 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 हाजी, कहीं देखी बेला? नहीं, पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं दिखी। कहाँ चली गई होगी वो? मुझे तो लगा था कि सब ठीक हो रहा है, ऐसा क्या हो गया कि वो मिलेगी? तुम चिंता मत करो। वो कौन है? माई, आप बेला को लेकर घर जाइए। बेला ने जो किया है उसे उसका एहसास है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों भी उसे माफ कर देना। ठीक है साईं। सब कितना डर गए थे। कहाँ गई थी इतनी रात? संजीवनी लाने आपके लिए। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। कुछ नहीं होगा आपको, साई ने कहा है ना, वो आपके लिए संजीवनी लाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगी। मुझे आदत ही नहीं रही बेटी कि कोई मेरे बारे में इतना सोचे, इतना करे। देता ना, देता ना, देता ना, देता ना, देता ना।
क्या बात है बेटा, बहुत खोए हुए लग रहे हो, किस बात की चिंता है? उस बड़े व्यापारी ने कहा है कि वो मसाला खरीदने आएगा, तो वो जरूर आएगा। माँ जी, वो तो आ जाएगा, लेकिन क्या उसे हमारे मसाले पसंद आएंगे? अरे अचानक ये संदेह क्यों? आज तक हम कभी इतनी भारी मात्रा में मसाले नहीं बेच पाए, पता नहीं क्यों इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को हमारे बनाए मसालों में वो स्वाद नहीं आता। अगर आज इन्होंने भी हमारे मसाले नापसंद कर दिए तो? मैं अभी आई। ये देखो, इस मसाले में ये मिलाना होगा। घबराओ मत, मेरा विश्वास करो। ये जी, मैं भी मदद करूं? नहीं, पता चला मदद करने के बदले काम और बढ़ा दिया, तुम रहने दो। बच्ची का मन है तो मदद करने दो ना, आखिर ऐसे ही बच्चे अपने आई बाबा को देखकर ही तो सीखते हैं। ठीक, करो मदद। तो इस तरीके से मसाले बनाने का कभी सोचा ही नहीं था। ये तो हमारे मसालों की काया पलट हो गई। घरेलू नुस्खे है और कुछ नहीं, इतने सालों के अनुभव का नतीजा है ये। ये बड़ों का अनुभव ही तो हमारे जीवन में नहीं था, आपने आकर वो कमी भी पूरी कर दी। लगता है वो व्यापारी आ गए। ठीक है, तुम उन्हें बाहर बिठाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। काका, साई लेंडीबाग से अब तक वापस नहीं आए? आते होंगे। मैं उनके थाली पीट लाई हूँ, यहाँ रख देती हूँ, आप भी खाइएगा। काका आप ये क्या कर रहे हैं? साई ने कुमकुम से गुठल अलग करने के लिए कहा है। काका एक एक गुठल कब तक निकालेंगे? छन्नी से छान लीजिए ना। छन्नी? हाँ, इससे आपका समय बचेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसमें क्या है, अभी कर लीजिए। ये लीजिए, इससे आपको आसानी होगी।
शुक्रिया रंभा। मैं चलती बाका। श्यामा, ये क्या कर रहे हो तुम? गुट्ठल अलग कर रहा हूँ साईं। ये गुट्ठल भी तो कुमकुम का ही हिस्सा है श्यामा। ये गुट्ठल की मात्रा ही तो कुमकुम को संपूर्ण बनाती है। अगर इन्हें अलग कर दिया तो कुमकुम का मूल रूप बदल जाएगा। इन गुट्ठल को एक एक करके तोड़ो और बारीक करो। ये समझ गया सर। वो छन्नी मुझे दे दो। भिक्षा के लिए जा रहा हूं। जी साईं। पानी लीजिए। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। माजी, इनके लिए कुछ नाश्ता ले आइएगा। हाँ। एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं आप। सकाराम यहां तक पहुंच गया, मेरी रक्षा करिए। आप शायद अपने पिता पर गए हो। आपकी शक्ल आपकी माँ से नहीं मिलती है। दरअसल ये मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन माँ समान है। अभी कुछ ही दिन हुए मिले, लेकिन अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। यानी इन लोगों ने तरस खाकर सरस्वती काकी को रखा है। अच्छा है, इन्हें सच बताऊंगा तो ये उन्हें आसानी से निकाल बाहर कर देंगे। ये खाना पीना बाद में मानेगी, पहले कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं।
हम नया व्यापार शुरू कर रहे हैं। कोई भी नया संबंध जब बनता है तो विश्वास और सच पर बनता है, इसलिए कुछ चीजें साफ होनी बहुत जरूरी है। जी कहिए। एक सच है जिससे आप अभी तक अनजान हैं, वही सच आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है। कैसा सच सकाराम जी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मानिक जी, आपकी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है बेटा? बेटा पानी पी लो, पानी पी लो। नुकसान पहुंचाने आया हूं, ये मेरे लिए इतनी परेशान है।